गुरुजी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने सृष्टि मुखर्जी की बातें रिकॉर्ड कैसे की? इस सब में विनायक बाबू ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने ही सारा प्लान बनाया, उन्होंने ही सृष्टि से हमारी मीटिंग फिक्स की। हमने तो सिर्फ उनका कहना माना। हमें अपने बाल कटवा कर बस कुछ देर के लिए कुलभूषण बनना पड़ा। लेकिन सच कहें, सृष्टि हमें पहचान नहीं पाई। परेशान तो बहुत है वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो जिसे सब कुछ बता रही है वो कुलभूषण है या फिर असली ब्रजभूषण। पापा, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं और ऐसे लोगों को जीने का हक होता ही नहीं है। और अब जनक ये सारी बातें सुन सुनकर परेशान है। कितना चोट पहुंचा चुके हैं सब कोई उसे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जीते हैं लंबी और खुशहाल जिंदगी, इज्जत कमाते हैं, नाम दौलत शौहरत सब कुछ, और हम जैसे लोग, आप, मैं, माँ जैसे लोग, पापा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं भी जाएं पापा, कहीं आप अकेले के, और आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन पापा? किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? खैर, हमारी उम्र हो गई है, हमें आज नहीं तो कल वैसे भी जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, और हम इसी भरोसे के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं। किसी पे भरोसा मत कीजिए, खास करके शादीशुदा मर्द पर। और अब जनक इतनी बड़ी बात बोल देती है अनी के लिए, पर क्या खुद उसने भी शादी नहीं की थी? अनजाने में ही सही, पर दिल से तो थी अनी के साथ ये शादी। अगर ये मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहे, मेरा ख्याल रखना चाहे, तब भी मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अनिरुद्ध के अलावा ऐसा कौन है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा बेटी? हमें इस पर पूरा भरोसा है, पूरा। पापा प्लीज, प्लीज पापा। गुरुजी, हमारे बीच एक रिश्ता है जो दिखता नहीं है, नजर नहीं आता। समाज में इस रिश्ते का अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता जरूर है जो सारी उम्र रहेगा। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस रिश्ते को तोड़ पाए। हां, गुस्से में आके शायद हम दोनों एक दूसरे से दूर चले गए थे, बात करनी बंद कर दी थी, लेकिन फिर से घूम फिर के एक दूसरे से टकराए। तुम नहीं मानते हो ये बात? वरना झनक, तुम हॉस्पिटल क्यों आती है? मंदिर में जाके मेरे नाम की पूजा क्यों करती तुम? नर्स बनके मेरा ख्याल क्यों रखती तुम, बताओ मुझे? क्योंकि आपने बहुत एहसान किए हैं मुझ पर। तुमने मेरा ख्याल रखा क्योंकि तुम्हें प्यार है मुझसे। गुरुजी, मैं आपके सामने ये बात कहता हूं कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। ये सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करती है, बताती नहीं है, लेकिन हमें देख के आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और आज अनी ब्रजभूषण के सामने भी झनक से प्यार का इजहार करता तो है, पर अब भी झनक को क्यों अनी को दर्द देना है? क्या अर्शी इतनी बड़ी दीवार बन गई है उन दोनों के बीच? क्या वो इन दोनों के प्यार से भी ऊपर है? और मुझे लगता है कि ये जोड़ी भगवान ने बनाई है, और दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं तोड़ सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, घर जाइए। जनक, तुम जितना भी मुझसे दूर रहने की कोशिश करो ना, मैं दूर नहीं जाऊंगा। मेरी जितनी भी इंसल्ट कर लो, मैं सह लूंगा,
लेकिन तुम्हारे आसपास ही रहूंगा मैं। गुरुजी, चलता हूं मैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी आखिरी सांस तक झनक के साथ खड़ा रह सकूं। हमारे भरोसे के हकदार हो तुम। और अब गुरुजी की ये बात सुनकर अनी अपने कदमों में रुकता है, उनका आदर सम्मान तो वो करता है। ख्याल रखना अपना। चाय नहीं पी आपने? जनक, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है। तुम जिस तरह मुझसे बात कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं चाय पी पाऊंगा? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या यह चाय तुम्हारे गले से उतरती? आपको चोट दे रही हूं क्योंकि आपसे दूर जाना चाहती हूं मैं। मैं नहीं चाहती अर्शी दीदी फिर से मुझे चार बातें सुनाए। अनिरुद्ध, चाय पीकर जाओ बेटा, जनक ने तुम्हारे लिए ही बनाई है। और अब अनी झनक के सामने वो चाय पीता है जिसे झनक ने अपने हाथों से बनाई थी उसके खातिर, पर मन में हलचल है। कुछ खाएंगे आप? खाने के लिए थैंक यू। हम जानते हैं तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन बुरा हमारी बेटी को भी लग सकता है। लग सकता है क्या है? लग रहा है। वो इस वक्त एक नकाब ओढ़कर खड़ी है हमारे सामने। इसका असली चेहरा तो तुम जानते हो ना अनुत, जानते हो ना? माफ कर दो इसे। प्लीज। और जहां आज शब्द भी कम पड़ गए अनी और झनक के बीच, वहीं ब्रिजभूषण अंदाजा लगा चुके हैं कि झनक और अनी का प्यार कितना गहरा है। इसकी कोई नाप तोल ही नहीं, सबसे परे है इनका प्यार। तो अब आगे भी देखना ना भूलेगा कि होता क्या है अब जब झनक की रक्षा के लिए आज ब्रिजभूषण ने अनी से लगाई है गुहार। आखिर किस बात का डर सता रहा है ब्रिजभूषण को? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।